हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाने जा रही हूँ शीख कबाब घर पर। ये मैंने 2 किलो गोश्त लिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो पसंद आया तो। ये मैंने 2 किलो गोश्त लिया है और मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं। ये पुदीना है और ये कोथमीर है। और मैंने गरम मसाले लिए हैं, ये 4 छोटी इलायची ली हूँ। ये 3 से 4 दालचीनी का पट्टा है, ये 3 से 4 लौंग है, और ये बड़ी इलायची है हाफ, और ये कबाब चीनी है, और ये टेस्टिंग पाउडर है, और ये हल्दी है, ये लाल मिर्च पाउडर है 2 टेबल स्पून, और ये नमक है 2 टेबल स्पून, और ये मीट मसाला है, मटन मसाला, ये भी 2 टेबल स्पून ली हूँ मैं। मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसे चॉप कर लिया है। ये अदरक ली हूँ और ये लहसुन ली हूँ मैं, और ये बेसन ली हूँ 4 टेबल स्पून जितना। ये सब हम गोश्त में ऐड करेंगे। मैंने ये मिर्ची, नमक और मीट मसाला डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, और ये मैं बेसन डाल रही हूँ इसमें, और मैं ज़ीरा धनिया पाउडर भी ऐड कर दे रही हूँ इसमें। अब हम ये ग्राइंड कर लेंगे। अरे हरा मसाला भी इसमें ग्राइंड कर लेंगे। ये गोश्त ज़्यादा है इसलिए मैं इसे अलग से ग्राइंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब अगर कम है तो गोश्त सब इसमें डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। और ये मैं ये गरम मसाला भी इसमें ही ऐड कर दे रही हूँ। इसे बारीक पेस्ट बना लेंगे हम, फिर इसमें इसे गोश्त में ऐड करेंगे। ये पपाई के छिलके हैं फ्रेंड्स, मैं ये भी इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम ये गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं चटनी बना रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने इसमें दही लिया है 250 ग्राम, और पुदीना लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें ली है, और मैं 3 से 4 लहसुन डाली हूँ। इसे भी ग्राइंड कर कर रख लेंगे हम। मैंने गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे थोड़ा थोड़ा डालकर ग्राइंड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है, ये ऐसा बारीक होना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए फिर से एक बार हाथ से ही। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें से थोड़ा हाथ को हम पहले तेल लगा लेंगे और हम इसे ऐसा गोल राउंड राउंड बना लेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आपके पास पेंसिल है तो ये हम इसमें ऐसा लगाएंगे। और अब हम इसे हल्लू हल्लू ऐसा करेंगे। और हम इसे ऐसा हल्लू से निकाल लेंगे, ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ऐसे बना लिया है पूरे। मैंने ये कढ़ाई ली है, हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे फ्राई करते रहेंगे। हम इसे स्लो आंच पे तलेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे दूसरी साइड पलटा लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे तल कर निकाल लिया है। अब हम इसे कोयला डाली हूँ मैं, इसमें जला ली हूँ गैस पर। हम इसे थोड़ा ऑयल डालकर इसे ढाप देंगे ताकि इसमें इसका फ्लेवर आ जाए।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये सीख कबाब बनकर रेडी हो गए। ये चटनी बनाई थी मैंने रहीम, पुदीना और हरी मिर्ची डालकर। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया चैट बॉक्स पर मुझे चैट करके पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।